सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के डाली बाजार के डोलही कोकोरा सिवाना पर आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने फीता जोड़कर औपचारिक बल्लेबाजी कर किया। विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्मगुरु व बनराखी मूवमेंट के प्रनेता पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि युवा खेल कला और संस्कृति ये सभी वन और वन पर्यावरण के अंग ही नहीं बल्कि राष्ट्र का धरोहर भी हैं। इन सबकी हिफाजत की जिम्मेवारी समाज के सभी लोगों का परम कर्तव्य है। पर्यावरण धर्मगुरु कौशल ने पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्रों की शपथ दिलाते हुए कहा कि हाल के दिनों में हमारी देश की सभ्यता संस्कृति पर पश्चात्य सभ्यता संस्कृति पर पश्चिमी सभ्यता हावी होते जा रहा है। उसी सभ्यता को बचाने के उद्देश्य से शादी विवाह में वर वधु को गांठ जोड़ने की परंपरा है, न कि अलग करने की। उसी सभ्यता संस्कृति को रक्षा के उद्देश्य से फीता को काटने नहीं जोड़ने का काम उनके द्वारा कार्यक्रमों में किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क के युवा वहां के विकास का बुनियाद होते हैं। उन्होंने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि समाज में एकता और अनुशासन स्थापित करने का यह सशक्त माध्यम भी है। इसके साथ ही कई बीमारियों से मुक्ति भी मिलती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है उन्हें एक उचित प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की। उद्घाटन मैच में पर्यावरणविद कौशल ने उप मुखिया अफजल की गेंद पर चौका लगाया, जबकि विकेटकीपर वसीर अंसारी और फील्डिंग जुबेर अंसारी, सुरेश यादव, रामाधार पासवान, संजय पासवान, संजय भुइया, संतोष गुप्ता, सूरज देव सिंह, सुनील गुप्ता, कुंदन पासवान, अमित यादव, कामेश्वर विश्वकर्मा, कमेंटेटर उपेंद्र सिंह, युवा क्रिकेट क्लब कुंडली के अध्यक्ष अमित पासवान, सचिव विशाल पासवान, कोषाध्यक्ष मान सिंह उद्घाटन मैच में उखराह के कैप्टन रॉकी के नेतृत्व में पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन बना। वहीं जवाबी पारी में कोकोरा के कैप्टन मिंटू ने 8 विकेट पर 101 रन बनाया। इस तरह से उखराह ने कोकोरो को 13 रन से हराया। मौके पर एसके सिंह, छट्टू सिंह, सुधीर सिंह, मिथिलेश सिंह, विक्रमा सिंह, रिसु एवं एमके सिंह सहित कई खेल प्रेमी मौजूद थे। से बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्र को अपनाना होगा। पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्र क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर या कोई भी शुभ कार्य पर या श्राद्ध पर एक पौधा लाकर उसे बच्चे की तरह बचाएं। दूसरा, जन, कोई लाचार बीमार है तो उसकी सेवा कर दें। तीसरा, जल, जंगल, जमीन, जानवर, पक्षी और प्रकृति को बचाने का उद्देश्य है। यह पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र के उपदेशों के साथ हम आपका कार्यक्रम का उद्घाटन करता हूँ। किसी व्यक्ति को न्योता देने से पहले उसको समझिए कि मैं जिसको बुला रहा हूँ वो व्यक्ति कौन है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, उसी भाव से उसकी सेवा भी होनी चाहिए। मेरा उद्घाटन करने का कोई भी कार्यक्रम का देश गया, विदेश गया, विश्व के दर्जनों देश में गया, देश के 22 राज्यों के 85 जिलों में जाकर के 40 लाख से अधिक पौधा लगाया और लोगों को जगाया, भाईचारा का संदेश दिया। मेरे देश की सभ्यता संस्कृति कथा पूजा में गांठ जोड़ने का है, इसलिए मैं जो भी कार्यक्रम को उद्घाटन करता हूं या तो पौधा लगा करके या दीप प्रज्वलित करके या तांडा हुआ फीता को दोनों तरफ से दोनों का मुंह जोड़ कर उद्घाटन करता हूं। ये अलग हमारा कार्यक्रम होता है। फीता जोड़ने का उद्देश्य में बता दिया कि क्यों हमारे देश की सभ्यता कथा पूजा में जानते हैं, शादी ब्याह में जानते हैं ना, शादी पूजा में कैसे किया जाता है, गांठ जोड़ा जाता है। तो आप लोग सभी को हम एक पर्यावरण धर्म का 8 मूल ज्ञान मंत्र का उपदेश देकर के मैं देश दुनिया को जगाया। आज मैं पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्रों का शपथ दिलाते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन करने जा रहा हूं।
तो आप सब कोई हाथ आगे बढ़ाइए, जो व्यक्ति